नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्लांट है गोल्डन पैंडा, इसे फास्ट लव भी बोलते हैं, और बहुत ही बढ़िया फ्लावर प्लांट है और यूनिक पैटर्न में रहता है। देखिए, इसका फ्लावर ऐसे गुच्छे में आता है और रेगुलर ब्लूमर है 2-3 महीने। और इसका दोस्तों केयर कैसे लेना है आज मैं बताऊँगा इस वीडियो में। पहले आपको जान लेना है ये एक पेरिनियल प्लांट है, तो इसे आप 10 इंच से बड़ा गमले में लगाएगा, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, इसे परमानेंट जगह दे देना चाहिए, और बड़ा लगाते हैं तो आप और बढ़िया है। और दोस्तों, इसमें फर्टिलाइजर आप रेगुलर देते रहिए, इसमें आप दीजिएगा NPK 19-19-19, वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और दोस्तों, ये ऐसा कुछ सीजन नहीं है जिसमें ये फ्लावरिंग करेगा, ये हर 2-2.5 महीने में आपको फूल दे देगा, बस इसका प्रॉपर केयर लेना है आपको। और प्लांट आपका जितना पुराना होगा, बर्ड्स और कलियां उतने आएंगे इसमें। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जितना पुराना होता है उतना घना होता है, क्योंकि देखिए ये अगर फूल अभी खिल गया तो यहाँ से मैं इसे काट दूंगा, तो यहाँ से फिर दो ब्रांच आ जाएगा, तो इसी तरह प्लांट घना होता जाएगा। और दोस्तों, इसमें डिजीज कुछ खास लगता नहीं है, अगर लगता है तो मिलीबग थोड़ा लगता है, मिलीबग लगने पर आप रोगर का स्प्रे कर दीजिएगा, और पानी इसे रेगुलर आप देते रहिएगा, क्योंकि जब फूल आते हैं इसमें तो पानी कम नहीं करना चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट इसका बढ़ जाता है, नहीं तो फूल आपका मुरझा जाएगा। और इसे दोस्तों रेगुलर आप फर्टिलाइजर दीजिए और फूल सन में रखिए, सन लविंग प्लांट है ये, और ये स्टेम कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से प्रोपागेट हो जाता है, या फिर आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका प्राइस होता है नर्सरी में 100 से लेकर 150 रुपया के बीच में, और बहुत प्यारा फूल देता है। देखिए कैसे बर्ड्स भी बहुत सुंदर दिख रहा है इसका। ये दोस्तों प्लांट आप नीचे लगाते हैं तो बहुत हाइट तक जाता है, और गमले में लगाते हैं तो इसे 3.5-4 फीट तक ही रखिए और प्रूनिंग करते रहिए। ये देखिए, इसे मैं एक प्लास्टिक के बाल्टी में लगा दिया हूँ, ये जो पेंट्स का बकेट आता है उसी मटेरियल का है, और बहुत मोटा है, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ खरीद के, और बाल्टी के नीचे मैं होल करके इसको लगाया हूँ। और देखिए, वीड्स तो एक भी नहीं आया, लेकिन बारिश रेगुलर हो रहा है इसलिए मॉस जम गया है इसमें, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा और मॉइस्ट रखेगा गमले को, तो इसे रहने देता हूँ मैं। और नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बर्ड्स नीचे से आना शुरू हो गया है, हर ब्रांच पर आपको बर्ड्स दिखेंगे, गोल गोल बर्ड्स बहुत बढ़िया दिखते हैं दोस्तों। और फूल इसका लास्टिंग करता है आपका 4-5 दिन, तो जब भी देता है गमला भर के फूल देता है, बस इसके आप फर्टिलाइजर और वाटरिंग का ध्यान रखिएगा। फूल जब इस पर आते हैं दोस्तों, तो पानी आप दिन में 2 बार भी दे सकते हो, अगर फूल सन में है तो, नहीं तो क्या होता है फूल मुरझा जाता है और प्लांट अच्छा नहीं दिखता है। और ये बर्ड सब आना बाकी है, मैं आपको कल फिर इसका शूटिंग करके दिखाऊंगा जब ये पूरा खिल जाएगा, और एक साथ बहुत सारा खिलता है दोस्तों। इसके आसपास के सब प्लांट डाउन हो जाते हैं इसके सामने, और ये आई कैचर होता है, इसे आप देखते ही रहेंगे जब ये खिलता है तो। इसका रेड भी है मेरे पास, लेकिन रेड थोड़ा कम फ्लावरिंग करता है येलो के मुकाबले, तो येलो और रेड में मैं रेकमेंड करूंगा आपको येलो मिलता है तो आप ज़रूर लाइए। और इसका प्रोपागेशन की बात करेंगे तो दोस्तों, ये स्टेम कटिंग से होता है, और इस पर आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, एयर लेयरिंग बहुत अच्छा काम करता है इसके ऊपर। और ये देखिए, इवनिंग का टाइम है, मैं फ्लैश लाइट में आपको दिखा रहा हूँ, फ्लैश लाइट में और भी बढ़िया दिखता है, इसका कलर थोड़ा डीप आता है, तो चींटियाँ थोड़ा आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन चींटियाँ जो आ रहे हैं ये इसके मिठास के लिए आ रहे हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे प्लांट को। और इसमें मैं अभी कुछ स्प्रे भी नहीं कर रहा हूँ, केमिकल या हार्श फर्टिलाइजर, तो दोस्तों नेक्स्ट डे देखते हैं इसका नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे सुबह का है और सारा फूल खिल गया है इसका, और बहुत ही प्यारा, और देखिए बड़ा बड़ा फूल जैसा दिख रहा है, छोटा छोटा फूल सब गुच्छों में होके, और गमला भर के ये फूल देता है, हैवी ब्लूमर होता है दोस्तों। देखिए
हर डाली पे आपको फूल देखने को मिल जाएगा और बहुत कुछ खिलना बाकी है। ये देखिए, दूर से दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, ये प्लांट आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आपके पास है और आप कैसे केयर लेते हैं उसका भी कमेंट दीजिएगा। ऐसे दोस्तों नए नए प्लांट और अच्छी अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।